जारी है जारी है अभी लड़ाई जारी है, ये जो छापा तिलक लगाए और जनेऊ धारी है, यह जो जात पात पूजक है, यह जो भ्रष्टाचारी है, यह जो भूपति कहलाता है, जिसकी साहूकारी है उसे मिटाने और बदलने की करनी तैयारी है, यह जो तिलक मांगता है लड़के की भांस जमाता है, कम दहेज पाकर लड़की का जीवन नरक बनाता है, पैसे के बल पर यह जो अनमोल ब्याह रचाता है, यह जो अन्यायी है सब कुछ ताकत से हथियाता है, उसे मिटाने और बदलने की करनी तैयारी है, यह जो काला धन फैला है, यह जो चोर बाजारी है, सत्ता पांव चूमते जिसके, यह जो सरमाएदारी है, यह जो यम सा नेता है, मतदाता की लाचारी है, उसे मिटाने और बदलने की करनी तैयारी है, जारी है जारी है अभी लड़ाई जारी है। ये पंक्तियाँ अपने दौर के बेहद चर्चित कवि, कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार और पत्रकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बेशक 4 दशक पहले लिखी हों, लेकिन इसके मायने आज भी वही हैं। सर्वेश्वर जी को याद करते हुए एक खास बात और ध्यान देने वाली है कि देश अगर 14 सितंबर से हिंदी पखवाड़ा मनाता है, हिंदी दिवस की महिमा गाता है, तो हमारे सर्वेश्वर जी का जन्म और निधन दोनों ही इसी पखवाड़े में हुआ। वो 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जन्मे और 24 सितंबर 1983 को अचानक ही दुनिया को अलविदा कह गए। इसी साल उन्हें उनके कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोक के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। वाराणसी और इलाहाबाद में पढ़े सर्वेश्वर जी ने छात्र जीवन से ही लिखना शुरू कर दिया और साहित्य की तमाम विधाओं को उन्होंने धीरे धीरे अपने लेखन के दायरे में समेट लिया। सत्ता और व्यवस्था की अमानवीय पहलू और जिंदगी की सच्चाइयों को करीब से देखने वाले सर्वेश्वर जी ने बेशक अपनी नौकरी की शुरुआत एजी ऑफिस में डिस्पैच विभाग से की हो, लेकिन साहित्यिक रुझान की वजह से कुछ ही साल बाद वो आकाशवाणी में काम करने लगे, पहले दिल्ली, फिर लखनऊ और बाद में भोपाल में। उनकी कविताएं बेहद चर्चित रहीं और वह अज्ञेय के प्रिय कवियों में रहे और उनके तार सप्तक के 7 कवियों में शामिल थे। बाद में जब दिनमान का प्रकाशन शुरू हुआ तो अज्ञेय जी उन्हें अपने साथ ले आए। फिर तो सर्वेश्वर जी ने पत्रकारिता के उस दौर की चुनौतियों को नजदीक से देखा और समझा। सर्वेश्वर जी का मानना था कि जब तक बच्चों के भीतर बेहतर साहित्य और चेतना का संचार नहीं होगा, तब तक हमारी आने वाली पीढ़ी देश के बेहतर भविष्य का निर्माण कैसे कर पाएगी। इसीलिए बाल साहित्य में सर्वेश्वर जी ने बहुत काम किया। दिनमान के बाद बाल पत्रिका पराग के वो संपादक रहे। सर्वेश्वर जी ने खूब लिखा, कविताएं, कहानियां, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत और बाल साहित्य। उनका नाटक बकरी खूब चर्चित हुआ। अरे हाँ भाई बच्चन, बकरी की खाद जिसमें पानी भरकर। तमाम नाट्य संस्थाओं ने उनके नाटक बकरी और लड़ाई के सैकड़ों शो किए। उनकी प्रमुख कृतियों में काठ की घंटियां, बांस का पुल, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, एक सूनी नाव, खूंटियों पर टंगे लोग जैसे कविता संग्रह हैं, वहीं उड़े हुए रंग, सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा जैसे उपन्यास भी हैं। कहानी संग्रह अंधेरे पर अंधेरा और बच्चों के लिए ढेर सारी किताबें हैं। सामाजिक चेतना के इस बेहतरीन कवि को 7 रंग नमन करता है।
चलते चलते सुनते हैं उनकी एक बेहद चर्चित कविता, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। इसे हाशिम हैदर ने अपनी आवाज दी है। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हां तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे, और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम ये बात नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना ईश्वर, ना ज्ञान, ना चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की सात परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वो अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हथियारों का धंधा है। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हो, वो धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहां सांस लेने तक का नहीं है अधिकार, तुम्हारे लिए नहीं रहा अब ये संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे हो वो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे हो लोकतंत्र का पहरेदार।